चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है बॉयलर हीट रेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बॉयलर हीट रेट के बारे में ऑल अबाउट डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ज्यादातर सुनते हैं टर्बाइन का हीट रेट कैलकुलेशन या प्लांट हीट रेट कैलकुलेशन, तो आज फ्रेंड्स थोड़ा सा यूनिक हो जाए। चलिए आज हम लोग देखते हैं बॉयलर का हीट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि बॉयलर हीट रेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बॉयलर के अंदर कितना हम लोग हीट का जरूरत पड़ेगा, कितना हम लोग हीट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके वजह से जो हमारा स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है एट डिजायर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे, हमको 1 kg स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, बॉयलर के अंदर 1 kg स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए हमको कितना हीट का, कितना किलो कैलोरी हीट का जरूरत पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयलर का हीट रेट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम की मदद से हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे बॉयलर का एफिशिएंसी के बारे में। अगर वो वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा फ्रेंड्स। बॉयलर हीट रेट का अगर यूनिट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यूनिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा किलो कैलोरी पर केजी आवर लिख सकते हैं। 1 घंटा के अंदर कितना केजी, 1 kg स्टीम जनरेट करने के लिए हमको कितना हीट का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हीट रेट अगर निकालने का क्या होगा फ्रेंड्स, अगर बॉयलर हीट रेट अगर निकालना है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है ठीक है फ्रेंड्स, तो इनपुट और डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स जो हमारा स्टीम आउटपुट हुआ, यानी आउटपुट ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बॉयलर का हीट रेट। जैसे कि फ्रेंड्स, हम लोग अगर बॉयलर का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते थे, आउटपुट डिवाइड इनपुट करते थे, यहां पे क्या करेंगे, इनपुट डिवाइड आउटपुट। तो यहां पे हम लोग इनपुट कितना हीट करवा रहे हैं और कितना हमारा स्टीम फॉर्मेशन हो रहा है ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा बॉयलर का हीट रेट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूला की बात करेंगे बॉयलर हीट रेट का, अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, फ्यूल कितना फ्यूल कंज्यूम्ड पहले लिखेंगे ठीक है फ्रेंड्स, यह किसमें होगा, केजी पर आवर में होगा ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई करना है जीसीवी ऑफ फ्यूल, जीसीवी ऑफ जो फ्यूल है यानी कोल है उसका ठीक है फ्रेंड्स, और डिवाइड क्या कर देना है, कितना हमारा स्टीम जनरेशन हुआ है, स्टीम जनरेशन। तो फ्रेंड्स, ये भी केजी पर आवर में है तो इसको भी हम लोग केजी पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। केजी में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारा जो हीट वैल्यू है वो किलो कैलोरी पर केजी में है, इसीलिए हम लोग इसको भी केजी में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन ये पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बॉयलर के अंदर जो हमने स्टीम प्रोडक्शन किया उसका प्रेशर और टेम्परेचर कितना है फ्रेंड्स, 88 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है और टेम्परेचर हमारा 520 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए फ्रेंड्स, और स्टीम का जो फ्लो हो रहा है वो हमारा 135 टन पर आवर है। तो इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 135 इंटू 1000 तो हो जाएगा केजी पर आवर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमको कितना प्रेशर, इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर पर स्टीम का फॉर्मेशन 135 टन करने के लिए हमको जो फ्यूल का इधर हीट का जरूरत पड़ रहा है वो कितना है, क्यू बराबर 32 टन पर आवर है, जिसका जीसीबी कितना है फ्रेंड्स, 3500 किलो कैलोरी पर केजी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, फ्यूल कंजप्शन कितना हुआ है, फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ है फ्रेंड्स, 32, और हमको किसमें कन्वर्ट कर, केजी पर आवर में, तो ये टन में है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या करना है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई ये जीसीबी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 3500, यानी 1 kg कोल के अंदर कितना हीट है, तो 3500 किलो कैलोरी है, तो 32 × 1000 केजी कोल के अंदर कितना हीट होगा वो हमारा निकल के आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल हीट इनपुट हमारा फ्रेंड्स आ गया, यानी इनपुट हमारा वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट, तो आउटपुट हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, स्टीम का जनरेशन हुआ, तो स्टीम जनरेशन कितना हुआ है फ्रेंड्स, 135 टन है फ्रेंड्स आवर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमारा केजी पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 1000, ये 1000 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट जाएगा, तो अभी हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो हम लोग अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 3200 × 3500 और डिवाइड कर देना है फ्रेंड्स 135, तो फ्रेंड्स 829 कितना आ रहा है, 829, तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यहां पे क्या है हमारा, ये वाला क्या बचा, अभी किलो कैलोरी बचा है। देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, ये हमारा किसमें था, केजी पर आवर में था, और ये किसमें था फ्रेंड्स, किलो कैलोरी पर केजी था ठीक है फ्रेंड्स, और डिवाइड किसमें करना है फ्रेंड्स, हमारा ये किसमें था, केजी पर आवर था, तो ये केजी पर आवर, केजी पर आवर कट गया, तो बचा क्या हमारा, किलो कैलोरी पर केजी, तो किलो कैलोरी पर
केजी, और यह हमारा एक घंटा के अंदर केजी एच लिख सकते हैं, एक घंटा के अंदर एक टन एक केजी स्टीम को जनरेट करने के लिए हमको बॉयलर के अंदर हीट कितना चाहिए, 829 किलो कैलोरी हमको हीट जब प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा इतना प्रेशर और टेम्परेचर पे हमको एक केजी स्टीम का फॉर्मेशन होगा। यही फ्रेंड्स होता है हमारा बॉयलर का हीट रेट, यानी कितना हीट के हीट देंगे जिसके वजह से एक केजी स्टीम हमारा डिजायर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स ये हुआ हमारा ऑल अबाउट बॉयलर हीट रेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।